लाइफ में कई बार एक छोटी सी प्रॉब्लम एक बड़ी वजह का कारण बन जाती है। समस्या तो छोटी सी होती है पर उसका सॉल्यूशन सही समय पर नहीं मिल पाता है। आज की वीडियो भी एक छोटी सी समस्या पर ही बेस्ड है। बोया का M1 माइक लैपटॉप में कैसे कनेक्ट करें, आज की वीडियो इसी पर बेस्ड है। जब मैंने पहली बार इसे अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया था तो एक ऐसी प्रॉब्लम से मेरा सामना हुआ था जिसका सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पर नहीं था। फिर मैंने ट्राई कर करके इसका सॉल्यूशन निकाला। आज की वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, हो सकता है ये समस्या कभी आपके साथ भी आ जाए, तो प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक की बॉडी पर जो बटन है वो नीचे की ओर यानी स्मार्टफोन की तरफ होना चाहिए। अब अपने लैपटॉप के राइट साइड में स्पीकर का जो आइकन है उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद ओपन साउंड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साउंड का पूरा विंडो खुल जाएगा। इनपुट सेक्शन में अभी आपको तीन डिवाइसेस दिखाई दे रहा होगा, यानी जब हम M1 माइक लैपटॉप में लगाएंगे तब वो एज अ फोर्थ डिवाइस आ जाएगा। अब राइट साइड में साउंड कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक साउंड का विंडो खुल जाएगा। आप चाहे तो पिछली विंडो को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब साउंड विंडो के रिकॉर्डिंग मेन्यू में जाएंगे। यहां आपको दो के ऊपर ग्रीन टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब माइक का पिन लैपटॉप में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करते ही लैपटॉप के स्क्रीन के राइट साइड में ऑडियो कंसोल बॉक्स खुलेगा। मेरे साथ यहीं पर समस्या आई थी। जब आप इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन दिखाई देगा, माइक इन, हेडफोन और हेडसेट। यहां हमें केवल और केवल हेडसेट सिलेक्ट करना है। अगर आप माइक इन या फिर हेडफोन सिलेक्ट करेंगे तो ये डिवाइस आपको साउंड विंडो के इनपुट में नहीं दिखाई देगा। अब हेडसेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे तो साउंड विंडो में एक और इनपुट हार्डवेयर शो करने लगेगा जिसके ऊपर ग्रीन टिक भी लगा होगा। आप यहीं पर अपने माइक को टेस्ट भी कर सकते हैं कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे ही माइक में आप बोलेंगे राइट साइड में ग्रीन बार हाईलाइट होने लगेगा। जिस विंडो को हमने मिनिमाइज किया था वहां भी आप जाकर इस डिवाइस को चेक कर सकते हैं। अब यहां फोर डिवाइसेस हैं। ये डिवाइस हमारा बोया का M1 माइक है। आप इसे सिलेक्ट करके इनपुट डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।